हे गाइस, अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड अभी है केजिंग में और अभी जा रहे हैं पेलिंग। और वहाँ पे मेला लगा हुआ है। इस टाइम पे विंटर टाइम पे हर हर जगह मेले लगते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि यहाँ पे आज प्रोग्राम वगैरह होने वाला है। किलोमीटर 20 मिनट। ओके गाइस, बहुत अंधेरा है और बहुत ठंड भी है। तो हम पहुंचने वाले हैं, ये आगे फुटबॉल ग्राउंड पे हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन इतना ठंड है गाइस, मेरा गाल पे जो ठंड है ना, जो महसूस हुआ है। सेवन हंड्रेड मीटर थियो अगाडि हो, 700 मिटर भनेपछि यही बाटो हो, सिधै हिँड्नु न। मतलब यहाँदेखि स्टार्ट भएको होला नि त। अम्बो, यो ठाउँ ज्वरो भयो मलाई, ठट हेप्पी चिसो हेप्पी, आँखा आँसु आइसक्यो। ओहो, झिलिमिली झिलिमिली को झिली बिली, अब पहुंच गए हम। उड़ाल जाने बाटो तो होना बेसक उतले होना पेलिंग ग्राउंड बने। तो ऐसा है नजारा देखो पेलिंग का। यही होला हो, जान्छ गाड़ी आँख में पानी आ गया। पहुँच चुके हैं पेलिंग ग्राउंड। वो ठंड से आँख से पानी आ गया। तो यहाँ पे ऐसा स्टॉल लगा हुआ है, लोग आगे रोटीपिङ खेल्ने नखेल्नु म रोटीपिङ मासु खाने ओ मेरा हस्बैंड ये गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पे पैसा डालते हैं और जो सिंबल ज्यादा आएगा वही जीतेगा, है? तो भाई क्या सोचता है अभी यहाँ भगने पे ये दूजा है ना पाये तो क्या? हाँ। अभी यहाँ मजे बांधे सिर्फ तो मेरे दूजा है ना पाये, तीन डाइन पाये, एक डाइन से पाये ना। तो यहाँ पे डाइस रखा हुआ है। पाना पाना पाना
बेटर लक नेक्स्ट टाइम फर्स्ट गरौँ न कति हो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ छ 30 रुपियाँ कति आयो 305 305 आयो ए दिदी आयो तपाईँको छ बिग बास्केट बिग बास्केट कुन चाहिँ त्यो झन् केही पो आउँदैन कति 68 मेरा हस्बैंड ने क्या 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 वो फसाया है मेला पे ये बास्केट बिग बास्केट स्मॉल बास्केट और ये चाय चालने वाला बाइक में भारी भएको ल यो बोकेर हिँड्न हो तो मेरा हस्बैंड आज तुम्बा खाने वाले तो ये ग्रेन से बनाया हुआ है बहुत ही ऑर्गेनिक हाय मी आल्सो ट्राइंग ले भन्ने बाहिरबाट जानु पर्छ जस्तो हो